तो जब कोई अधिक क्रियाशील, ये बात जरूर ध्यान रखना, हटाएगा कौन? जो ज्यादा पावरफुल होगा। जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील, जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से, हटा दे, बस उसके स्थान से हटाकर जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर क्या कर ले? उसका स्थान ग्रहण कर ले, हटाकर उसी का स्थान ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया ठीक। कौन हटाएगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा। कौन हटेगा? जो कम पावरफुल होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर, हटाने केवल काम नहीं है, हटा के वो खुद उस जगह पर आ जाए, मतलब उसको वहां से लात मार के भगा देना है और खुद जाके उस जगह पर बैठ जाना, ये है प्रतिस्थापन। जैसे जिंक का टुकड़ा अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, या ऐसे कह सकते हो जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से अगर हम कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिस्थापन। क्यों प्रतिस्थापन होगा? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसलिए जिंक कॉपर को हटा देगा यहाँ से और खुद जाके जुड़ जाएगा, बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को लात मार के उसने कर दिया अलग। टाटा बाय बाय चाओ, ये है पावर। ठीक, उसको हटा के बेचारे को सबसे किनारे कर दिया और खुद जाके जुड़ गया।